किसका जीवन धन्य है भाई, एक घड़ी आधी में पुण्यात, थोड़ी देर के लिए कथा सुनो, धन्य हम, कृतार्थ हम। इसलिए ये शब्द कथा श्रोताओं के लिए गाया है, कथा सुनने वाले के लिए गाया है। एक बात कहूं, आप आ कहो ना कहो, लेकिन कहने वाला ही हो। देव की कथा सुनते हैं उसको पुण्य मिलता है, लेकिन मेरे महादेव की कथा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देव की कथा सुनता है, जो सुनता है उसको ही पुण्य मिलता है, लेकिन मेरे महादेव की कथा सुनते हैं उसको भी पुण्य मिलता है, उसके पूरे परिवार को भी पुण्य मिलता है, क्योंकि देव की कथा नहीं, महादेव की कथा। तो कि कैसे, तो कि वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करो तो मूल के द्वारा पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वैसे ही एक व्यक्ति कथा सुनता है पूरे परिवार का कल्याण करता है, पूरे परिवार का मंगल करते हैं। इसलिए आप एक व्यक्ति कथा सुन रहे हैं घर में से, लेकिन पूरे परिवार का आप मंगल कर रहे हैं, पूरे परिवार का आप कल्याण कर रहे हैं। शिव शब्द का अर्थ तो कल्याण है ना, विद्वानों कहते हैं कि शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है, तो कथा सुनने से सबका कल्याण होगा।